मैं हक और सच आपको कहने लगा, आपकी खैर खाई करूंगा। जिन्हें कमां से अं पै गए थे ना, ए नहीं जी ठीक है की है भाई, तेरे को किन्नी जमीन है जी? मेरे को इन्नी जमीन। ओ भाई केड़ी जमीन तेरी, तू मां ने ढिडू लैके आई है, जिन्हू कबरे लैके जानी, कितने तेरी जमीन आ गई? मैं समझाने की कोशिश करूंगा बात आपको भाई, कागजां ची तेरी है, हुण तेरी कोई भी नहीं है, तेरी कोई तेन वह भी है कि तेरी एक कागजा जी तेरी है, तेरी कोई। मैंने सबसे पहले मैं इन बच्चों को बताया करता हूं, मैंने अपने घर से सीखा, अल्लाह कोई बड़ी बोती जमीन नहीं, ढाई मरले का मकान मेरा जरा अपना जाती है, ढाई मरले का मकान। जब आंखें खोली थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़नी आई तो वहां मेरे दादा बू के नाम की प्लेट लगी होती थी, ठीक है जी, चौधरी इलम दी, वो प्लेट मेरी जिंदगी में उतर गई है, ठीक है जी। फिर नई प्लेट लगी मेरे वाले साहब के नाम की, पिछले जो है ना वो 27 दिसंबर को मेरे वाले साहब के नाम की भी प्लेट उतर गई, आजकल मेरी लगी है। हुण मैं तुहानू पुछण लगा वा, सदा लगी रहनी मेरी? नहीं, मेरी भी लै जानी है। इसलिए फिर किसी सूफी ने कमाल लिखा, उसने कहा तू किहड़े वहमां च पै गया, तू किहड़े वहमां च पै गया है, तू किहड़ी गल तू आकड़ा फिरन डिया। कहते हैं ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, असी माली नहीं आदर जी, कभी दादा बू माली सन, फिर अबू जी माली लग गए, अजकल मैं माली लगा माली नहीं आदर, कागजा ने मैं मालक हाँ, लेकिन मां ने मेरी बात को समझना है, कागजा च मैं ही मालक हाँ, लेकिन मालक मैं कोई मालक हो दी जात मैं नहीं, ना मैं मां के टिड्डू लैके आया, ना मैं कबरे लैके आया, जमीन जिथे है भी उन्हें उत्थे ही रह जाना। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे, सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे।